हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड मंत्रा एंड आई एम डाइटिशियन शिखा। आज मैं आप सभी के लिए वेजिटेबल पोहा की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि पोहा खाने से वेट गेन होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप इसे सही तरीके से बनाए तो। कैसे बनाना है इसे ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं इसके कुछ न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन। अगर इसके कैलोरी की बात करें तो इसमें अगर आप एक कटोरी पोहा लेते हैं, एक सर्विंग पोहा जितना मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी उतना लेते हैं, तो उससे आपको मिलता है 199 किलो कैलोरी। प्रोटीन की बात करें तो 4.2 ग्राम प्रोटीन होता है। हेल्दी फैट्स इसमें 3.2 ग्राम प्रेजेंट होते हैं और फाइबर 4 ग्राम होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है और हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर कंटेंट अधिक होने की वजह से ये हमारे कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज और हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ना ही सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि ये पीसीओडी, पीसीओएस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर बात करें इसके प्रोसेसिंग की, तो इसके प्रोसेसिंग में एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से इसमें नेचुरली प्रोबायोटिक प्रेजेंट होता है और वो हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये पैडी के प्रोसेसिंग से बना होता है, इसलिए ये नेचुरली ग्लूटीन फ्री होता है। तो अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और आप ग्लूटीन प्रोडक्ट्स अवॉइड कर रहे हैं, तब भी आप पोहा अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत टेस्टी होगा, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाए तो चलिए, आपको मेरा तरीका जानना है तो उसके लिए मेरे किचन चलना होगा। वेजिटेबल पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 स्पून ऑयल, थोड़ा क्यूमिन सीड्स, 1 ग्रीन चिली। ग्रीन चिली हमारे बॉडी में प्रेजेंट बैड कोलेस्टेरॉल को कम करने में हेल्प करता है। अगर आप इसे लिमिटेड अमाउंट में ले तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अनियन और बीन्स। इसमें मैं थोड़ा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा मिक्स मसाले और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो सॉल्ट के अमाउंट को कम रखें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पीनट्स। पीनट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हर्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं 2 चम्मच पीनट्स ली हूँ और थोड़े ग्रीन टी भी ऐड करूंगी। अब इसे हम सौते कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं इसमें ऐड की हूँ ग्रेटेड कैरेट। कैरेट में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, ये हमारे आईज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। बस दैट्स इट। अब इसमें मैं अपने भिगोए हुए पोहे को ऐड करूँगी। इस पोहा को मैंने 2 बार पानी में वॉश कर लिया था और यहाँ पर मैं ऐड करके इसे प्रॉपरली मिक्स कर दूँगी। बस हमारा पोहा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दिख रहा है, कितने सारे वेजिटेबल्स इसमें एडेड हैं। अब मैं इसे सर्व करूंगी और गर्मा गर्म खाकर एंजॉय करूंगी। इस पोहा को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और अपना फिटनेस जर्नी और भी ज़्यादा हेल्दी बनाइए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ढेर सारे हेल्थ रिलेटेड पोस्ट। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को इंजॉय कर सकें। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।